हेलो एंड वेलकम टू जी मैक्स स्टूडियोज़। मैं हूँ ओमकार कोचरेकर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लाइट पेंटिंग कैसे की जाती है। अगर आपको लाइट पेंटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी सीखनी पड़ेगी और आपको शटर स्पीड, एपर्चर और आईएसओ का कॉम्बिनेशन कैसे होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो जिन फोटोग्राफर्स को लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के बारे में और जानना है वो फोटोग्राफर्स हमारा एपिसोड नंबर 6 देख सकते हैं हमारे मेन चैनल GMAX स्टूडियोज पे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज हम देखेंगे कि शटर स्पीड का फोटोग्राफ पे क्या असर होता है। तो मैंने लाइट पेंटिंग बहुत सालों तक की नहीं थी, तो मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया एंड मेरा एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर दोस्त है जिसका नाम है आशीष कामले, उससे थोड़े से टिप्स लिए। उसके स्टूडियो का नाम है लोटस बीम स्टूडियो, वो स्पेशलाइज्ड इन लाइट पेंटिंग है वो स्टूडियो, और वो लाइट पेंटिंग के वर्कशॉप्स भी लेता है। तो मैंने उससे कुछ टिप्स और ट्रिक्स लिए, उसने कुछ मेरे को टिप्स बताए जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, याला तू हवे था जमनीवर ठेवणं बोलला असं जसं तू ठेवलास फॉलो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके। आणि हा थोडा आता दोन आहेत म्हणून हेवी आहे, नाही तर तुला लाईट असेल, फक्त इंटरसेक्शन पॉईंट करून त्याला असा हा इंटरसेक्शन पॉईंट जेवढा मेंटेन केलास ना तेवढा तो सर्क्युलरशिप बरोबर असेल, आणि याला थोडा पण वर खाली केलास ना तर पूर्ण पहा, ओके। फक्त इंटरसेक्शन पॉईंटला मेंटेन कर बाकी, आणि फक्त हे मेन काय द ग्रिप इज नॉट लाईक दिस, बट हा असा आहे एल शेप, ओके। तुझ्या बॉडीच्या डिरेक्शनमध्ये एल शेप पाहिजे, दॅट्स ऑल, आणि हे फक्त हा हे असा आहे शेप असा झाला, ओके। मैंने लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कॉलेज डेज में की थी, आई थिंक इन 2010, एंड उसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिला लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करने का। फ्यू मंथ्स बैक ओनली मैंने एरिक पारे के बारे में सुना था, जो कि हमारे कनेडियन फोटोग्राफर है, क्यूबेक में रहते हैं वो, एंड उनकी जब मैंने फोटोग्राफ्स देखी तभी मैं इतना इंस्पायर हुआ एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे टाइम निकाल के ये स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी ट्राई करनी चाहिए, एंड मैंने एक ट्राई दिया। जब आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी को पूरी तरीके से समझ लेते हो तभी आप लाइट पेंटिंग के लिए तैयार होते हो। लाइट पेंटिंग करने के लिए आपको एक DSLR लगेगा या फिर एक मिररलेस कैमरा लगेगा, वो APS-C भी हो सकता है या फुल फ्रेम भी हो सकता है, किसी भी कैमरा से आप लाइट पेंटिंग कर सकते हो। और आपको कुछ लाइट्स और ट्यूब्स लगेंगी, जैसे कि ये एक ट्यूब है, ये एक प्लास्टिक ट्यूब है, ये आपको किधर भी अवेलेबल हो जाएगी, स्टेशनरी या किसी हार्डवेयर के शॉप में। आप इसकी ये अभी 3 फीट की है, आप कितनी भी फीट की ले सकते हो। स्पेशली लाइट पेंटिंग के लिए कुछ लाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल है बट वो बहुत महंगे हैं, तो मुझे एक ऐसी लाइट बनानी थी जो एक DIY काइंड ऑफ थिंग रहेगी, एंड तो मैंने ये ट्यूब ली एंड और ये एक टॉर्च है जो कि स्मॉल सन ब्रांड का है, LED टॉर्च है। तो इसकी खासियत ये है कि आप इसका सोर्स वाइड और नैरो कर सकते हो, ऐसे ये देख सकते हो आप बस, और इसमें डिफरेंट मोड है, जैसे ये मोड है, नॉर्मल मोड है एंड डिस्को मोड है। और आपको एक योंगनो लाइट की ज़रूरत गिरेगी या फिर कोई भी लाइट, बार लाइट की ज़रूरत गिरेगी, जैसे ये योंगनो YN362 है, ये बहुत चीप लाइट है, एंड जेरी जीओनिस की एक लाइट आती है आइस लाइट जो कि बहुत महंगी है, 25,000 की है, बट जो लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये लाइट खरीद सकते हैं, ये बहुत अच्छी लाइट है। इसमें आप डे लाइट टू टंगस्टन शिफ्ट कर सकते हो, इसके इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। इसमें RGB भी है, आप इसमें रेड्स, ग्रीन्स, ब्लू जैसे चाहिए आप लाइट चेंज कर सकते हो। और मैंने इसमें एपिटर की LED लाइट यूज़ की है, ये बैटरी के ऊपर चलती है तो आप कहीं पर भी ले जा सकते हो आउटडोर में, ये वो लाइट है। आप इसमें टंगस्टन टू डे लाइट शिफ्ट कर सकते हो, इसके इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, जैसे ये टंगस्टन है, ये डे लाइट है, एंड इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है, ये 32 केल्विन से लेके 55 केल्विन तक है, एंड आई थिंक इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो भी लाइट और इक्विपमेंट्स मैंने अभी आपको जो दिखा है वो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है।
तो फर्स्ट हमने डिसाइड किया कि हम मुंबई में शूट करेंगे, बट मुंबई में शूट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपके पास पैसे है लोकेशन रेंट पे लेने के लिए तो ही आप शूट कर सकते हो, अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट इन मुंबई। तो पूरे जीमैक्स टीम ने डिसाइड किया कि सबसे पहला शूट हम बदलापुर में करेंगे। वो फोटोग्राफिकली थोड़ा सा अच्छी जगह है फोटोग्राफी के लिए, थोड़ा सा क्राउड कम है मुंबई को अगर कंपेयर करें, एंड हम लोग निकल गए। Guys, we are trying a long exposure shot and we are creating few lights and we have a B10, in that we are using tungsten, it's on minimum power, and we are taking an exposure of 4 seconds f2.8 ISO 1250, and that's a 2470 f2.8 G Master series, and it's on a Sony A9. So will you light off? Yeah. Ready? Light off. On. तो जब हम बदलापुर पहुँचे तो हम थोड़ा सा लेट पहुँचे वहाँ पे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे, 2-3 घंटे से लेट पहुँचे। तो जो एम्बिएंट लाइट थी वो किल हो गई थी पूरी तरह से, और कुछ शॉट्स मैंने प्रीवियसली जाते वक्त ही डिसाइड किए थे कि मुझे ऐसे टाइप के शॉट्स लेने हैं, और वो शॉट मैं नहीं ले पाया, एंड थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ था मैं। एंड जब भी मैं वापस स्टूडियो आया और मैंने बड़ी स्क्रीन पर फोटोग्राफ देखी तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो आप जब भी कोई भी फोटोग्राफ को जज करते हो अच्छा या बुरा, तभी करना जब आप वो फोटोग्राफ्स बड़ी स्क्रीन पे देखते हो, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे सब दिखता है। तो वो फोटोग्राफ से मैं बहुत खुश नहीं था, एंड ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ था, पर मुझे करना ही था। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि यार ये ऐसे नहीं छोड़ते, इसको और एक बार ट्राई करते हैं, और हम निकल लिए थाने। Guys, here we are going to give a try for long exposure photography and light painting. So basically now I'm using a Sony A9 with a 2470 G Master series f2.8 lens, and I'm just seeing the block and I'm just seeing the ambient exposure right now. तो सबसे पहले मैंने block set किया और मैंने ambient exposure लिया जो कि available light है। तो एम्बिएंट एक्सपोजर लेने के बाद मुझे पता चला कि एम्बिएंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, हाथ उधर, हाथ हाथ उधर सेंटर है। हाँ, राइट। हाँ, सो जस्ट सी कि दिस इज योर सेंटर। ओके, तो ये हाथ ऐसा, राइट ऐसा, एंड देन फिर मैंने योंगनो की लाइट जो सर्कुलर शेप में आने वाली है पीछे, वो मैंने ट्राई की, उसका एक्सपोजर देखा। तो पहले मुझे उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लगी, तो मैंने उसका एक्सपोजर थोड़ा 2 स्टॉप से डाउन किया। फिर मैंने प्रो फोटो B10 के कंटिन्यूस लाइट के फंक्शन को यूज़ किया, ये लाइट फेस पे यूज़ की और उसकी इंटेंसिटी देखी। उसके बाद मैंने ग्राउंड को पेंट किया। ए पास भी रहे तुला एकदम। ओके साइशा रेडी, नो ब्लिंक्स इन द लाइट, एंड शैलू श्रेयस। परफेक्ट एकदम, अमेजिंग है। वाइड दिसतेस तू, बेंड होऊ शकते, थोडा आर्टिस्टिक पोज दे। हा नाइस, हा दिस इज कूल, दिस सेक्सी, नाइस। चल एक ट्राय करूया, मग तू एक काम कर ना, पॉस्चर जसा चेंज कर। हा फॉरवर्ड आहे ना,
हे जे हँड्स आहेत ना तुझे स्लाइटली वाईड ओपन कर आणि फॉर एका हाताने असं करू शकतो समज हां लेफ्ट वाला फुल करू शकतो बाकी आणि एक हात असा वरती पॉस्चर येणार असं छान रेडी गाईज सो वी आर ऑन 8 सेकंड्स एफ स्टॉप एफ फाईव्ह आयसो 80 रेडी चलो आउट फ्रेम ओके रेडी चालू श्रेयस अरे शॉर्ट डे क्या नाइस 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 Somebody who's never done anything like this, it was amazing. I think the whole team, including you, y'all have been very amazing with all your ideas. I've never seen anything like this. And being a part of this, for me, is a great experience. Okay, cool, cool. जब हम लौट के आए स्टूडियो और हमने जब ये फोटोग्राफ्स देखी बड़े स्क्रीन पे तो फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी लग रही थी एंड पूरी जीमैक्स टीम को फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी लगी थी एंड सब लोग ने वो प्रोसेस बहुत एंजॉय की थी एंड तो हमने डिसाइड किया कि आज और अभी हम मुंबई में शूट करेंगे और हम निकल लिए तो सबसे पहले मैंने ट्यूब को टॉर्च के साथ अटैच किया गैफ टेप से और एक बार ऑन करके चेक कर लिया अच्छा पोजीशनल सर है ओके इफ दिस इज द कैमरा दिस वे तो जैसा मैंने आपको बताया था मैंने सबसे पहले एम्बिएंट एक्सपोजर लिया पर मुंबई के मरीन लाइंस के इलाके में लाइट लीक्स बहुत ज़्यादा थी तो मुझे ट्यूब की लाइट और फेस लाइट कॉम्पनसेट करने में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि एम्बिएंट लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और मेरे टॉर्च की इंटेंसिटी बहुत कम थी टेक वन मोर अगेन विद दिस पोस्चर आर यू हैप्पी विद द पोस्चर आई एम रियली हैप्पी विद द पोस्चर आई एम हैप्पी कूल तो हमने जो ट्यूब घुमाने की स्पीड है वो स्लो डाउन की सो दैट सेंसर ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाए जैसे ही हम लौट के आए स्टूडियो और हमने जो फोटोग्राफ्स देखी थाने की और मुंबई की हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और हमने डिसाइड किया कि अभी जो प्रीवियसली फोटोग्राफ्स ली हमने उससे कुछ और लेवल अप जाना है तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे नानेघाट जो कि है 100 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई एंड हम निकल लिए Guys, we are just having a recce. It's I think 3 o'clock, 3:30 in the night, and we have more 2 hours to shoot. Let's go. I would love to use this historical architecture. ये frame बहुत sexy बनेगा और इसके पीछे circle थोड़ा सा stars वाज आ जाएंगे तो I'll be able to go low also. This angle. ठीक है तो इसको पेंट भी कर सकते हैं थोड़ा लाइट से चलो लेट्स स्टार्ट सो नाउ आई एम यूजिंग अ फूजी फिल्म XT3 तो हर बार की तरह सबसे पहले मैंने एम्बिएंट एक्सपोजर लिया तो ये फोटोग्राफ मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जानी थी इसमें मैंने 3 लाइट सोर्स यूज किए एक तो ट्यूब एक फेस पे और एक रॉक पे टिल्ट अप बरद टिल्ट अप बस चलो टिल्ट अप बस रेडी पोस्चर प्लीज And light off. Shreyas. Varad. Off. Chalo. Off. Freeze. Kya posture tha yaar. Chumma.
सो फोटोग्राफर्स, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी और लाइट पेंटिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ ज़रूरत है प्रैक्टिस की। अगर आपने शटर स्पीड, आईएसओ और एपर्चर का कॉम्बिनेशन समझ लिया और एम्बिएंट लाइट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एक्सटर्नल लाइट यूज़ करके, ये अगर आपने समझ लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आई थिंक एरिक पारे जैसे फ़ोटो आप भी निकाल सकते हो। बस यही था, एंड फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल GMAX स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता।